बहुत मुबारक हो। और गुरु जी को जब घर बुलाया तो वो बहुत सारी ब्लेसिंग तो ऑलरेडी बच्ची कह रही है मुझे चाहिए और वो मिल गई आपको, क्योंकि जब गुरु जी आते हैं तो पता नहीं कितनी लहरें वहरे लेकर आ जाते हैं। और शुक्राना सारी संगत का जो उनको आज ब्लेसिंग देने के लिए आप लोग इस इतने सुंदर घड़ी में आप लोग आए हो, क्योंकि पार्टियां तो सब करते रहते हैं, है ना, पब में भी जाते हैं, डिस्को में भी जाते हैं, पर जब गुरु जी का सत्संग हम कराते हैं अपने किसी शुभ दिन पर, जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आज, मेरी यहाँ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कई साल पहले जब मैं गुरु जी से शुरू शुरू में जुड़ी थी तो मैंने यहीं पे एक अपना बुटीक खोला था बाहर मेन रोड पे राम हैंडलूम के सामने, 2-4 महीने ही चलाया था गुरु जी ने उसको, कायनाथ के नाम से डिम्पल जी के साथ वाला था। और मैंने उस गली में एक दो सत्संग अटेंड किए थे, तो मैं इतना तब सत्संग में नहीं जाती थी ना ही मैं सेवा में जाती थी, पर मुझे मन बड़ा करता था कि मैं सेवा करूं। तो धीरे धीरे गुरु जी ने मुझे उसके बाद नोएडा भेज दिया, 10 महीने वहां रही मैं, फिर वापिस आई तो गुरु जी ने वहां से पूरा एकदम निखार के भेजा, सारी सेवा और हर चीज, रंगोली बनानी, गद्दी लगानी, ऐसे एकदम पॉलिश किया गुरु जी ने। और गुरु जी सबको ऐसे ही पॉलिश करते हैं, जब आप गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं ना संगत जी, जब आप गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं ना तो आपकी एकदम आप में निखार आ जाता है, हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी हर चीज हमारी दूर होनी शुरू हो जाती है, और हमें पता ही नहीं होता कि हमारे कर्मों में क्या लिखा होता है। पर हम सोचते हैं कि लोगों को जब देखते हैं कि ये गुरु जी से जुड़े हैं तो इनको ये ब्लेसिंग मिल रही है, ये इनको ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। जब आप गुरु जी से खुद जुड़ते हो तब आपको असली बात समझ में आती है गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं। और गुरु जी ने तो आज हर घर में इतनी ब्लेसिंग दे रखी है संगत जी, यहाँ आके मुझे, मैं ना बड़े दिन से ना कुछ लिख रही थी, क्योंकि मैं लिख के ही यूट्यूब पे ऑडियो डालती हूँ रिकॉर्ड करके, तो मैं ये लिख रही थी उसमें कि अभी मैं डिप्रेशन के ऊपर मैंने एक बड़ा अच्छा सत्संग लिखा था कि जो यंगस्टर और जो बच्चे आजकल बड़ी जल्दी डिप्रेशन में है, और आज पता नहीं गुरु जी ने एक दिखाया मुझे कि मैंने देखा कि आजकल ना बहुत सारे बुजुर्ग बहुत डिप्रेशन में है, बहुत डिप्रेशन में है, आसपास रिश्तेदार जहां भी मैं जाती हूँ बुजुर्गों को बड़ा निग्लेक्ट किया जाता है। गुरुजी कहते हैं कि जब तुम सत्संग में जाते हो, जब तुम अपने घर वालों की बुजुर्गों की सेवा ही नहीं कर सकते हो तो तुम्हें क्या फायदा ऐसे सत्संग में जाने का और सेवा में बैठने का। तो बुजुर्गों को एकदम वो इतने ज्यादा वो हो चुके हैं कि उनको कोई पूछता नहीं है, उनको बच्चे नहीं पूछते हैं, सब अपनी लाइफ में आजकल बिजी है, जॉब में है, आए चलो पूछ लिया। इतने रिच लोग मैंने देखे हैं जिनको उनके बच्चे बैठते ही नहीं उनके साथ, तो वो सब देखते हुए गुरुजी ने एक सत्संग लिखवाया था। मैं यहाँ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आज भी गुरु की संगत और आज भी भगवान को मानने वाले इतने अच्छे लोग हैं कि मैं जब इस परिवार में आई तो मैंने देखा यहाँ के बढ़िया आंटियां मम्मियां तो भाग भाग की सेवा कर रही है और ऐसे ऊपर नीचे हम थक गए वो नहीं थकी है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको अगर गुरु ने अपने से जोड़ा है और आपके बच्चे आपको इतना मान सम्मान दे रहे हैं, आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपने ऐसे बच्चों को पैदा किया। और यही संस्कार हर घर में होने चाहिए कि बड़ों को मान सम्मान, मतलब मेरे को लगता है लंगर प्रसाद भी इन्होंने शायद खुद ही बनाया सबने मिलकर, और दोनों मम्मियां सास और समधने इतना अच्छा लग रहा था ना कि एक ऊपर जा रही है तो एक मूड़ा उठा के ला रही है, एक स्टूल उठा के ला रही है, इतनी उम्र में भी हम थक जाते हैं स्टूल उठाने में और आंटी ऐसे उठा उठा के ला रही थी। तो ये हमारे संस्कार तो सब अच्छे देते हैं, पर सबसे कल भी मैंने यही सत्संग शेयर किया था, यंगस्टर को सबसे पहले समझने की जरूरत है गुरु जी कहते हैं। और गुरु जी ने अभी क्यों गुरु जी बार बार चीजें शेयर कराते हैं कि आजकल गुरु जी ने कहा था जब मैं चला जाऊंगा ना तो हर घर में 3 चीजें होंगी, कैंसर, डिप्रेशन और डिवोर्स। और डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि तालमेल ही नहीं है, और माएं जो है वो लड़कियों के बहुत इंटरफेयर करती है। गुरु जी के टाइम के सत्संग है, मैं थोड़ा शेयर करती हूँ कि पहले भी बहुत बार शेयर किया है पर यहाँ लगता है संगत पहली बार सुन रही है। तो गुरु जी ने ना, मतलब कि गुरु जी के पास ना आंटियां आती थी, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, शादी करवा दो। अब गुरु जी कहते थे इसका भी टाइम नहीं आया, पर पीछे पड़ जाती है माए की, नहीं शादी करो, वो बहुत भक्ति करती थी गुरु जी की। तो जब उन्होंने देखा, गुरु जी ने कहते ना भगवान से ना हमें कभी जिद नहीं करनी चाहिए, हम जब जिद करते हैं तो भगवान हमें दे तो देते हैं पर साथ में हमें दुख भी लगा देते हैं। अब किसी की, बहुत सारे लोगों को ऐसे मैसेजेस मिलते हैं सत्संग शेयर करने से भी,
क्योंकि सुनने वाले का भला भी होता है, सुनाने वाले का भी होता है। इसलिए हम सत्संग के बाद गुरु जी कहते हैं सत्संग जरूर थोड़ा सा शेयर करना चाहिए, किसी पता नहीं किसको क्या आंसर मिलेगा। तो बहुत जिद करती थी वो आंटी जी की, नहीं मेरी बेटी की शादी करा दो। वो बहुत भक्ति करती थी गुरु जी की। अब भगवान कहते ना भगत के वश में है भगवान, तो प्रभु भी कई बार अड़ जाते हैं, बच्चे तो मान जाते हैं। उन्होंने कहा चल ठीक है, मैं इसकी शादी करवा देता हूँ। अरदासे कर करके उसकी एक साल में शादी हो गई लड़की की। शादी को भी एक साल भी नहीं हुआ था, वो लड़की ना बार बार अपने मायके आती थी। बड़ा छोटा सा और बड़ा प्यारा सा सत्संग है ये। वो बार बार अपने मायके आती थी, हर हफ्ते गुरुजी के मंदिर जाती और अपनी मम्मी के साथ जाती थी, कभी अपनी सास के साथ या पति के साथ भी जाती थी। तो एक दिन गुरुजी उसको कहते हैं कि तू की कर अपनी माँ के घर ही रोज आई रहती है, तेन तेरा ससुराल ही दिल नहीं लगता है। वो लड़की की माँ कहती है बड़े गंदे हैं इसके ससुराल वाले ना, इसको बड़ा तंग करते हैं, इसको कहीं आने जाने नहीं देती, तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आपके पास आ जाती है। गुरु जी उसकी माँ से कहते हैं तुम जैसी माएं हैं जो अपनी बेटियों को ना घर नहीं बसने देती हैं, 25-30 साल तूने इसको अपने घर में रखा, तू रजी नहीं अभी तक, अब इसको ससुराल में रहने दे, ना आए कोई नहीं, मेरे को दिल में याद कर दी, मैं उतनी ब्लेस कर दूंगा। पर वो बड़ी जिद्दी, अब वो रोज आए, बेटी आए फोन पे। गुरु जी ने बहुत सुनाया सबको, बेटियों को, कि ज्यादा माओ को अपनी बेटियों से माँ बातें नहीं हर वक्त फोन पे करनी चाहिए, हर वक्त उनके इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उनको उन्हें उधर ही रहन देना चाहिए, पर कई लोग नहीं मानते हैं। फिर धीरे धीरे भी एक साल भी नहीं बीता था तो वो आंटी फिर से आ गई गुरु जी के पास, कहती है मेरी कुड़ी बड़ी दुखी है, तलाक करा दो। अब गुरु जी बड़े हंस पड़े, गुरु जी मुस्कुराते रहते हैं जैसे अपने चोले में बैठे हुए हैं। तो गुरु जी ना बाकी संगत भी को देख के कहते हैं, कुछ बोले नहीं गुरु जी। गुरु जी कहते हैं अभी तो तू इतना लड़ रही थी, 30 साल से इसकी शादी नहीं, एक साल में तलाक कराने भी आ गई है। अब वो गुरु जी कहते हैं कि मत करा इसका तलाक, मैं तो तुझे कहा था शादी मत कर, तूने कर दिया, अब इसको बसने दे। कहती नहीं गुरु जी, मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, मैंने आपकी इतनी भक्ति करी है ना, आप इसका तलाक करा दो, क्योंकि ये वहां पे खुश नहीं है बिल्कुल भी। अब फिर गुरु जी भगत के वश में है भगवान, फिर वश में आ गए, प्यार में पिघल गए। चलो ठीक है, कई बार गुरु जी नहीं मांगते, हम जितना मर्जी मांगे वो नहीं देते, पर कई बार गुरु जी सिखाने के लिए भी ना, लेसन हमें देने के लिए वो लीला रच देते हैं ताकि औरों को इससे लेसन मिले। तो उन्होंने उसका तलाक हो गया, अपने घर आ गई लड़की, बड़ी दुखी माँ, फिर दुखी, इकलौती बेटी, इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की, नौकरी करती थी, अब फिर तीसरे साल फिर आ गई, अब इसकी दूसरी शादी कर दो। अब गुरु जी कहते तुमने तो मेरे को तमाशा ही बना दिया है, पहले शादी करो फिर तलाक करो फिर शादी करो फिर तलाक करो, यही करता रहूंगा मैं। तू जब तक तेरी बेटी अपने आप को पूरा सरेंडर नहीं करेगी, जब तक वो ये नहीं समझेगी कि मेरे प्रारब्ध के कर्म है मुझे काटने हैं। गुरु जी कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई इंसान ऐसा मिल गया जो तुम्हें मार रहा है, पीट रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तुम्हारे को तंग कर रहा है, ससुराल में सास तुम्हें नहीं ताने मार रही है, तुम नहीं बच पा रहे हो, तुम वहां से भाग के जाओगे कहां? तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे शंकर जी। गुरु जी कहते हैं तुम्हें अगले बंदे के साथ भी वही सब तुम्हें फिर से भुगतना पड़ेगा, इसलिए तुम उसी के साथ अपने कर्म कटवाओ। अब गुरु जी ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारे कर्म कटवाने का जरिया इस आदमी को बनाया, अब तुम उस आदमी से भाग रहे हो, फिर तेरे कर्म तो नहीं, ये तो पुराने कर्म है ना, हमारे प्रारब्ध के कर्म है, आज के नहीं है ये। आज हम कहते हैं हम बड़े अच्छे हैं, भैया मैं तो अपनी सास की बड़ी सेवा करती हूँ, मैं दिन रात उनके पैर भी दबाती हूँ, पर फिर भी मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मेरा पति फिर भी मुझे नहीं पूछ रहा। तो फिर गुरु जी कहते हैं ये तुम्हारे बहुत पुराने पुराने कर्म है जो तुम्हें आज भुगतने हैं, और तुम्हें इसी आदमी के साथ भुगतने हैं, इसको छोड़ के जाओगे फिर दूसरे के साथ जाओगे फिर तीसरे के साथ जाओगे, जब तक ये कर्म नहीं कटेंगे तुम्हें बार 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 शादियां करनी पड़ेंगी। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार सच में ऐसा होता है कि लड़कियां बहुत परेशान होती हैं, गुरु जी के पास उनको ले जाओ और गुरु जी के आगे अरदास करो कि इनके हमेशा अपने बच्चों के लिए ना ये अरदास करो, गुरु जी हमारे बच्चों के लिए जो अच्छा हो ना वो करें, जो सही हो ना वो करें, ये ना सोचे कि मैं मुझे यही चीज अभी चाहिए। उनको सब पता है, अगर उन्होंने शादी करके उसे कोई नजारा दिखा के तोड़ना था और दूसरी शादी करानी है तो उनकी मर्जी है, नहीं अगर इसी घर में रखना है मारपीट करके तो उनकी मर्जी है। तो सत्संग तो मेरे पास बहुत सारे हैं और मैंने यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं बुलबुल आंटी सत्संग के नाम से, इसी से रिलेटेड एक सत्संग है जो इसको मतलब कि कॉम्बिनेशन है इसका, छोटा सा मैं आपको बताती हूँ।
ऐसे ही ना एक आंटी थी, बहुत प्यारा सत्संग है, आप लोग आगे शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे ना, तो आप जरूर सुनाइए कभी ना कभी किसी को, बहुत इससे आंसर मिलते हैं। अब लोग जो अमृत वेला करते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि हम अमृत वेला नहीं करते हैं, पर आपको पता है हमारे जो प्रारब्ध के कर्म है, ये मैं क्यों सुना रही हूँ कि हमारे जो प्रारब्ध के कर्म है, हम जब गुरु जी से जुड़ते हैं तो हमारे प्रारब्ध के कर्म कट जाते हैं, और जब गुरु हमारे साथ बैठ जाता है तो वो सारे ही काट देते हैं। अब एक लड़की थी, पिंड में रहती थी, रोज अमृत वेला करती थी, बचपन से करती थी, वाहेगुरु जी को बहुत ज्यादा मानती थी वो, और उसकी बड़े अच्छा उसका घर था, उसकी शादी का टाइम आता है तो उसके पेरेंट्स उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं। अब वो किसी ने उसको बताया होता है उस लड़के के बारे में, वो उससे शादी फिक्स कर देते हैं। सारी इंक्वायरी भी कर लेते हैं, उन्हें पता लगता है अच्छा लड़का है। शादी के ठीक दो दिन पहले उन्हें पता चलता है कि वो लड़का ना बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और सट्टा खेलता है और हर वक्त जुआरियों में बैठा रहता है और बहुत ही गंदा लड़का है वो। अब वो फादर को पता चले कि मेरी बेटी की शादी ऐसे घर हो रही है, वो परेशान तो हो ही जाएंगे, तो वो अपनी बेटी से कहते हैं भैया तू इतनी हम गए गुजरे नहीं है, हम तेरी शादी तोड़ रहे हैं, हम तेरी शादी यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि बाद में तुझे दुख मिलेगा। अब वो कहती है कि नहीं आप, क्योंकि उसके पापा बड़े उदास हो जाते हैं कि अब हमने सब जगह कार्ड भी मार दी, दो दिन बस शादी है, हमारा क्या होगा। वो कहती है नहीं, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, आप मेरी चिंता मत करो, मेरे कर्मों में अगर ऐसा आदमी लिखा है मैं भुगत लूंगी, आप मेरी शादी कर लो। बहुत मना करते हैं, नहीं मानते, सब गांव के लोग मना करते हैं, पर वो लड़की शादी कर लेती है। वो कहती है कि नहीं, मेरे पापा की इज्जत का सवाल है। अब वो लड़की ना बचपन से शंकर जी अमृत वेला में उठती थी, जाप करती थी, सिमरन करती थी और रोजाना परमात्मा के साथ बैठती थी, उसका तो ये कर्म था, वो अपना कर्म तो छोड़ेगी नहीं। शादी के फर्स्ट डे ही वो लड़का आता है, ड्रिंक करके आता है और उसको खूब पिटाई विटाई करता है और कमरे से बाहर निकाल देता है उसको, तो वो उदास नहीं होती थोड़ी भी। तो अगले दिन जब वो फेरा डालने जाती है तो उसके पापा को पता होता है कुछ ऐसा हुआ होगा, कहती चिंता ना करो तुझी, मैं सही कर लूंगी, सब सही हो जाएगा, बताती नहीं है उनको। अब शंकर जी वो रोज का उसका ये काम हो गया कि वो मारना पीटना, ड्रिंक करके आना और उसको तंग करना, पर वो लड़की ने उस घर में आके भी अपना अमृत वेला नहीं छोड़ा। उसने दूसरे कमरे में मंदिर वाले में जाके, छोटा सा मंदिर था वहां बैठ जाती थी, वो पी के आता था, सुबह सुबह सोया रहता था, वो अमृत वेला करती थी, अपना मंत्र जाप करती, जल रखती, सब कुछ करती थी। अब धीरे धीरे उसके सास ससुर ने देखा हमारी इतनी अच्छी बहू आई है, वो भी ना भगवान को बहुत मानते थे, तो उन्हें बड़ा दुख होता था, वो भी अपनी बहू के साथ उठ के अमृत वेले में बैठने लग पड़े। अब वो लड़की क्या करती थी कि वो जो जल प्रसाद, जिस इस जल की इतनी महिमा है, जो आप अमृत वेला में जल रखते हो गुरु जी के आगे और उस जल को जाप करके ब्लेस करके कैसे गंदे से गंदे लोगों को पिला दोगे ना, नेगेटिव लोगों को, उनके सारे थॉट्स चेंज हो जाएंगे, वो बदल जाएंगे। ये बिल्कुल मैं अपने आप से नहीं कह रही हूँ, मुझे इतने लोग मैसेजेस करते हैं, इतने लोगों के कॉल आते हैं, उनके नाम नहीं हम शेयर करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं कि वो ठीक हुए। तो उस लड़की ने क्या किया कि अगले दिन उठती, वो उठता, उसको चाय में वो जल मिलाती और उसको देना शुरू कर देती, चाय वो पहले पीता नहीं था, धीरे धीरे उसने चाय पीनी शुरू कर दी। तो अब धीरे धीरे ना जो आदमी 10-11 बजे आता था वो 7 बजे घर आने लगा। तो एक दिन उसको कहता है मैं सोच रहा हूँ मैं ना घर में ही ड्रिंक कर लूंगा, वो बाहर पी के आता था, वो बड़ी खुश हुई, उसने शुक्राना किया जाकर फटाफट अपने गुरु जी का। फिर वो कहता है मैं अब घर में आज से ड्रिंक करूंगा, कहती ठीक है आओ बैठो पियो, बैठ पीने लगा। अब वो देखो, अब कहते हैं गुरु जी के कोई सुने अगर मेरा ये सत्संग कि वो पागल है होते हैं जो मेरे जैसे लोग ये सत्संग शेयर करते हैं कि शराब में भी ड्रिंक में भी वो जल मिला के दे रही है, तो कोई तो मुझे पागल ही देगा, ये आंटी क्या बोल रही है। उस लड़की ने ऐसा किया कि उसने उसके ड्रिंक में थोड़ा थोड़ा एक चम्मच जल मिलाना शुरू कर दिया। अब वो जल तो एक बूंद ही अमृत की है गुरु जी की, तो आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। वो रोजाना अब यही होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वो कहता है तू ना आज ना मुझे चाय पिला दे, आज मेरा ड्रिंक करने का मन ही नहीं। जय गुरु जी। अब उसने चाय बनाई, बड़ी खुश, क्योंकि उसका विश्वास था अपने परमात्मा पे, जीत गया ना। यहाँ प्रारब्ध के कर्मों की बात आ रही है जो वो सुनती थी कि मुझे यहीं पे कटवाने हैं, मुझे यहाँ से भागना नहीं है। आजकल लड़कियां क्या करती हैं, 2 मिनट में माँ को कॉल कर देती है, ओ ऐ तेंज कर दे, मेनू मार दे, पिट दे। माँ भी कहती है हाय मेरी धी रानी इन्नी सोहनी इन्नी चंगी विआह कीता, तू वापस आ जा, इसको तो मैं देख लूंगी, इसको तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगी, यही होता है ना। तो यही नहीं हमें करना। तो उस लड़की ने उसको रोज जल दिया
और एक दिन शंकर जी ऐसा आया कि जब वो लड़की अमृत वेला कर रही थी तो उसके परिवार के साथ वो लड़का आके उसके साथ अमृत वेला कर रहा था और उसकी दिन छूट गई, उसकी जिंदगी इतनी अच्छी हो गई। तो देखिए, मैं जब भी ये वाला सत्संग करती हूँ मेरे सच में आंसू आ जाते हैं। मैं कहती हूँ जैसे गुरु जी ने, भगवान ने उस बेटी को ब्लेस किया, सबकी बेटियों को ऐसे भाग लगाए वो, सबको खुश रखे वो, लेकिन हमारा भी बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि हमें अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देने हैं, उनकी बातों को नहीं सुनना, क्योंकि छोड़ दो उन्हें, जाने दो, जैसे मर्जी वो अपने कर्म कटवाए, गुरु जी बैठे हैं। तो इसलिए पता नहीं आज फिर गुरु जी ने ये सत्संग क्यों शेयर कराया, मुझे नहीं पता किसको क्या आंसर मिलना होगा, क्योंकि बहुत परेशान है। मुझे आज भी इतने मैसेजेस आते हैं ना लोगों के, लड़कियों के, कि मेरा ये हो रहा है, मेरा वो तलाक हो रहा है, आंटी कुछ करो कुछ करो। मैं कहती हूँ नहीं, क्या करूँ बेटा, मेरा भी दिल रोता है, पर तुम अमृत वेले करो तो सही, जाप करो, जल रखो, पिलाओ अपने घर वालों को। आज इतना टाइम नहीं है, फिर कभी आएंगे, फिर कभी सुनाएंगे। डाले हुए सत्संग ऐसी ऐसी बहुओं के सत्संग है जिनकी सासों से बिल्कुल नहीं बनती थी, उन्होंने चुप चुप के नींबू पानी में जल पिला पिला के अपनी सासों को अपने वश में कर दिया, सासों ने बहुओं को अपने वश में कर दिया। तो ये तो गुरु जी की लीला जैसे वो रचते रहते हैं। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और क्या नाम है, ज्योत्सना आंटी का शुक्राना जो उन्होंने